हेलो फ्रेंड्स, मैथ बाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिजल्ट के बारे में जो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि रिजल्ट में कुछ लोग कह रहे डिले है, कुछ लोग कह रहे टाइम से होगा, तो वो क्लैरिटी ला के आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर, मेरा अगर पहला प्रेफरेंस लेवल 3 का है और मैं अगर स्टेशन मास्टर की कट ऑफ को क्लियर करता हूँ तो क्या मुझे स्टेशन मास्टर मिलेगा या लेवल 3 मिलेगा, तो ये सब कन्फ्यूजनों पे बात करने वाले हैं। तो सारे एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ज़रा, और जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संगम मिश्रा है, मैं ऑलरेडी SSC के थ्रू वर्किंग हूँ और साथ ही साथ NTPC के एग्जाम्स में भी मेरे अच्छे परफॉर्मेंस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि कल के डेट में गुवाहाटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम जो डिले था, वहाँ पे फ्लड के चक्कर में एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, तो वो शेड्यूल जारी हो गया है उसके एग्ज़ाम का। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रेलवे पहले RRB गुवाहाटी बोर्ड के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा के एक साथ रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई। अभी 2-3 दिन पहले चीज अलग चल रही थी, लेकिन जैसे ही RRB गुवाहाटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। देखो, इसमें आपको कोई घाटा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर लेवल 6 के एग्ज़ाम अब क्या है, RRB गुवाहाटी के एग्ज़ाम होता रहेगा, उसका आंसर किया आएगा और एक ही साथ सारे बोर्ड के रिजल्ट आएंगे लेवल 5 और लेवल 2 लेवल 3 के टाइपिंग पोस्टों के लिए, ठीक है। उसमें क्या है, उससे पहले ही हमारा साइको हो जाएगा और साइको के मेडिकल और DB वगैरह वो हो जाएगी, मतलब या फिर बीच में चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो लड़के अच्छा मतलब कहने का मतलब कि जैसे इलाहाबाद बोर्ड की बात करूं मैं, तो इलाहाबाद में 500 बच्चे मतलब हट जाएंगे, जो 500 बच्चे फाइट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाएंगे, उनको पोस्ट मिल जाएगी स्टेशन मास्टर की, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके नंबर थोड़ा कट ऑफ से 2-4 नंबर ज़्यादा हैं या फिर बॉर्डर पर हैं, उनके लिए अच्छा ही है क्योंकि उनको एक मौका मिल जाएगा और चीज़ें थोड़ी सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से कोई घाटा नहीं है। हाँ देखो, डिले वाली बात बहुत लोग कहेंगे सर डिले है, देखो डिले तो होगा ही। आप 2019 के फॉर्म का अभी देखो, 2019 का ये फॉर्म है NTPC का, अब 2022 चल रहा है तो इतना डिले हो चुका, तो 2-4 महीने का डिले और हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना पेशेंस रखे ही हो तो थोड़ा पेशेंस और रखोगे। तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, मैं आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है जो वो ये कह रहा है कि रिजल्ट में डिले है और रिजल्ट का सितंबर में आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जुलाई तो मान के चलो 15 दिन बचे हैं, ख़त्म ही हो जाएगा। अगस्त में आपका साइको का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, सितंबर में कोशिश ये रहेगी इन लोग की कि अगर चीज़ें सही होती हैं, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर चीज़ें सही होती हैं तो रिजल्ट जो है सितंबर में आएगा। इससे दो और फ़ायदे हैं, इससे एक और फ़ायदा है कि जो टाइपिंग में जिनकी स्पीड बन नहीं पाई है, वो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि आप लोग टाइपिंग मत छोड़िए, लोगों की बातों को मत सुनिए, आप लोग निरंतर टाइपिंग करते रहिए, 15 स्पीड आ रही, 20 स्पीड आ रही है, पूरा एक्यूरेसी मेंटेन करके आराम आराम से करिए, गलती मत करिए, स्पीड के चक्कर में मत पड़िए, ये मेरा कहना था। आप लोग टाइपिंग करिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी जैसे आपकी एक्यूरेसी अच्छी चलती जाएगी, जैसे आपके हाथ उंगलियाँ जब सही कीज पे अपने बैठ जाएंगी ना, तो ऑलरेडी आपकी स्पीड जो है वो आ जाएगी। ये बात रही, बात ये रही कि कुछ लोग कह रहे थे प्रेफरेंसेस को लेके उनको मन में डाउट था कि प्रेफरेंसेस में क्या होगा। तो देखो, प्रेफरेंस में जैसे एक लड़का कमेंट कर रहा था कि A3 का फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा है और साथ ही साथ लेवल 6 में भी अच्छे नंबर हैं, तो क्या उसको स्टेशन मास्टर मिलेगा या फिर उसको क्या बोलते हैं लेवल 3 की पोस्ट मिलेंगी। तो देखो, उसके प्रेफरेंस देखे जाएंगे, पहला प्रेफरेंस ही देने की कोशिश करेगी RRB। अगर वो लेवल 3 के कट ऑफ को क्लियर कर देता है तो लेवल 3 मिल जाएगा, ना कि स्टेशन मास्टर मिलेगा। एक कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो गया। एक कन्फ्यूजन बहुत लोग ये था कि सर, मेरा मार्क्स मान के चलो दो लड़के हैं, दोनों के नंबर 82 हैं, एक ने पहला प्रेफरेंस डाल रखा है JAA का, एक ने दूसरा प्रेफरेंस डाल रखा है JAA का, तो इसमें किसको JAA मिलेगा? तो इस स्थिति में JAA मिलेगा पहले वाले को, जिसने अपना पहला प्रेफरेंस डाल रखा है। अगर नंबर सेम होते हैं तो जिसने प्रेफरेंस पहला डाला होगा उसको वो पोस्ट दी जाएगी। एक सेम पोस्ट का प्रेफरेंस अगर आप सेकेंड डाले हो तो, और मैं अगर फर्स्ट डाला हूँ तो मुझे मिल जाएगा सेम नंबर पे, यानी कि 82 नंबर पे आपको JAA नहीं मिलेगा,
क्योंकि आप सेकंड प्रेफरेंस डाल रहे थे, और 82 नंबर पे मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था। एक और क्वेश्चन, अगर 82 नंबर मेरा है, 83 आपका है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं और आप, मैंने प्रेफरेंस डाला पहला जी डबल ए, आपने डाला दूसरा, सेकंड प्रेफरेंस आपका है जी डबल ए का, तो वहाँ आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके मार्क्स मेरे से एक नंबर ज़्यादा हैं। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस पूरी नहीं होती है तो आपको फटाक से जे डबल ए दिया जाएगा, लेकिन मुझे आपके जे डबल ए देने के बाद मेरा नंबर आएगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले मार्क्स को देखा जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस को देखा जाएगा, और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस की प्रायोरिटी दी जाएगी। जो जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस जैसा डाला होगा, उस पहले प्रेफरेंस में उसको सेटल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर पहले में सेटल नहीं होगा तो दूसरे में देखा जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, और जो भी अभी कन्फ्यूजन आपके होंगे वो बताइएगा। साइको आईक्यू की तैयारी अच्छे से करिए, और टाइपिंग का आप लोग कर ही रहे होगे, टाइपिंग को कंटिन्यू करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइपिंग को। और जो भी लोग नए होंगे प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।